छुक 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 चली हमारी गाड़ी, छुक छुक चली हमारी गाड़ी, छुक छुक। काला देखो कितनी ताकत वाला, मैं खाता हूँ कोयला काला, देखो कितनी ताकत वाला। छुक 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 उड़ाऊं, सिटी देखकर शोर मचाऊं, चिमनी से फिर धुआं उड़ाऊं, सिटी देखकर शोर मचाऊं। चुक 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 दिखा कर गाड़ी रोकू, हरी दिखा कर उसे चलाऊं, लाल दिखा कर गाड़ी रोकू, हरी दिखा कर उसे चलाऊं। चुक 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 के संग पटरी पटरी चलते रुकते चलते हैं, इंजन के संग पटरी पटरी चलते रुकते चलते हैं। छुक 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 प्यारे बच्चों, आपने रेलगाड़ी जरूर देखी होगी। रेलगाड़ी कैसे भागती है? छुक 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 छुक, और इंजन सीटी बजाता है। छुक 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 छुक, और जो बड़ा बड़ा काला इंजन होता है उसको एक छोटा सा आदमी जो इंजन ड्राइवर होता है वही तो चलाता है। आपने भी कभी सपना देखा होगा कि जब आप बड़े होंगे तब इंजन ड्राइवर बनेंगे, पर बड़ा इंजन तो बड़े होने के बाद ही आप चला पाएंगे। तो आज आप एक छोटा सा इंजन बनाइए। यह छोटा सा इंजन फर फर करके भागता है, और इसको बनाने में छोटी छोटी सी चीजें इस्तेमाल की गई हैं। ये चीजें हम रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। यह है इस इंजन की चिमनी, जैसे कि बड़े इंजन में होती है, और यह चिमनी फिट होती है बॉयलर के ऊपर। यह है इंजन का बॉयलर, जो कि एक बैटरी को पुराने सेल के ऊपर एक साइकिल की ट्यूब का टुकड़ा चढ़ा करके बनाया गया है। इस बॉयलर को आप इंजन से अलग कर सकते हैं, और इस बॉयलर के ऊपर एक रबर का टुकड़ा है जिसमें एक खांचा काट दिया गया है, और इस खांचे में बैठ जाती है चिमनी। यह तो हो गया बॉयलर का हिस्सा। अब देखें हम इंजन का पिछला हिस्सा, जो कि ड्राइवर का केबिन है, जैसे कि बड़े इंजन में ड्राइवर का केबिन होता है। इस ड्राइवर के केबिन को एक पुरानी बैटरी से बनाया गया है, जिसके ऊपर दोबारा एक साइकिल की ट्यूब का टुकड़ा चढ़ा दिया है, और ये जो सीखे आप देख रहे हैं ये फूल झाड़ू की सीखे हैं, और केबिन के ऊपर का जो हुड या जो छत है ये एक रबर सोल के टुकड़े से काट के बनाई गई। अब हम केबिन को भी
इंजन के निचले हिस्से से निकाल सकते हैं। इस हिस्से में जो बॉयलर फिट होता है वो एक नली है, ये कपड़ा सुखाने की जो प्लास्टिक की नली है उसका एक टुकड़ा लेते हैं और इससे ही हम बॉयलर को निचले हिस्से के साथ जोड़ते हैं। और अब हम देखें इंजन का निचला हिस्सा जिसमें कि चक्के लगे हैं। ये चक्के जो हैं ये बटनों के बने हैं और इनके बीच में जो धुरी है वो एक सुई है और बीचों बीच में बॉल पेन की रिफिल का एक छोटा टुकड़ा है। जब हम बॉल पेन की रिफिल को पकड़ते हैं और चक्कों को घुमाते हैं तो वो आसानी से घूमते हैं। इस निचले हिस्से में हमने चार छोटे छोटे टुकड़े रबर के चिपका दिए हैं और इन्हीं टुकड़ों में हम इन चक्कों को फिट कर सकते हैं। इधर भी हम चक्के को बैठा सकते हैं। इनको हिलाने से ये चक्के गिरते नहीं, पर आप जब चाहें तो उन चक्कों को निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे इंजन में किन किन चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले तो ये दो बैटरी के सेल हैं, ये पुरानी टॉर्च की बैटरियां हैं, इनके दोनों सेल ले लिए। इनके साथ ही एक टॉर्च का छोटा सेल लिया जिसको कि पेंसिल सेल कहते हैं। चक्कों के लिए हमने सस्ती प्लास्टिक के बटन इस्तेमाल किए, ये हैं सस्ती प्लास्टिक के बटन। और धुरी के लिए हमने सुई को इस्तेमाल किया, ये है सुई। और बीच में जो बुश या बेयरिंग है उसके लिए हमने एक पुरानी रिफिल ली और इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। इसके लिए जो निचला हिस्सा है उसके लिए हम एक जूते की सोल के रबर का टुकड़ा इस्तेमाल करते हैं और बैटरियों पे चढ़ाने के लिए हम एक साइकिल का ट्यूब, पुराना साइकिल का ट्यूब देते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके बैटरियों के ऊपर चढ़ाते हैं। ये तो सब हिस्से हो गए जिनको जोड़ जोड़ करके हम अपना इंजन बनाएंगे। तो सबसे पहले लीजिए एक साइकिल की ट्यूब का टुकड़ा और उसको बैटरी के लंबाई का नाप करके और उसको कैंची से लेकर के काट लीजिए। ये ट्यूब आसानी से कट जाता है और इस ट्यूब के ऊपर हम एक बैटरी को चढ़ा देते हैं। बैटरी के ऊपर ट्यूब चढ़ने के बाद में ये बैटरी एक काले बॉयलर जैसी दिखने लगती है और इसके ऊपर हमको फिट करनी है छोटी चिमनी, जिसके लिए हम एक छोटा सेल लेते हैं और उस छोटे सेल के ऊपर हम एक काले कागज का टुकड़ा लेकर के चिपका देते हैं। इस काले कागज पर हमने कुछ रबर का सॉल्यूशन या कुछ गोंद लगाया और थोड़ा सुखाने के बाद में इसको हमने इस छोटे पेंसिल के सेल के ऊपर चिपका दिया। इस तरह हमारी छोटी चिमनी बन जाती है। अब इस चिमनी को हमको
इस बॉयलर के ऊपर इस ढंग से फिट करना है। फिट करने के लिए हम एक और तरकीब इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम एक जूते के सोल का रबर का छोटा टुकड़ा लेते हैं और उसको एक चौकोन में काटते हैं। इस रबर को काटने के लिए हम मोची का चाकू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हम छोटी बैटरी को लेते हैं और इस चौकोन टुकड़े के ऊपर रखते हैं और पेन की मदद से बैटरी का गोला रबर के ऊपर बना लेते हैं। इस गोले को बनाने के बाद में हम एक धारदार चाकू से इसको काट लेते हैं। क्योंकि रबर मुलायम होती है, उसकी वजह से हम इस खांचे को आसानी से काट पाते हैं। खांचा कटने के बाद में बीच का हिस्सा निकल जाता है और इस खांचे में हम अपनी चिमनी को फिट कर सकते हैं। उसके बाद में इसी रबर के टुकड़े को हम चाकू की मदद से एक हल्की सी गोलाई में काट लेते हैं। मैं आपको एक कटा हुआ गोल टुकड़ा दिखाता हूँ। इस ढंग की हल्की सी गोलाई होती है इस टुकड़े में। उसके बाद में इस टुकड़े के ऊपर हम साइकिल पंचर का सॉल्यूशन लगाते हैं और बैटरी को लेकर के उसके ऊपर इसको चिपका देते हैं। और इस टुकड़े के अंदर हम अपनी चिमनी को फिट कर देते हैं। तो ये तो बन गया बॉयलर और चिमनी। अब आइए हम देखें पिछला हिस्सा। उसके लिए हमने एक बैटरी ली है और पहले की तरह इस बैटरी के ऊपर एक साइकिल का ट्यूब का टुकड़ा चढ़ा दिया है। और इन दोनों सींकों को हम ट्यूब और बैटरी के बीच में गोल गोल घुमा करके घुसा देते हैं। ये गई पहली सींक। एक छेद और एक दूसरा छेद। इन दोनों छेदों में अब हम जो केबिन हमने बनाया है उसकी दोनों सींकों को पिरो देते हैं। अब यह बन गया हमारा छोटा सा केबिन।
इसके बाद में हम इंजन का निचला हिस्सा देखेंगे। इस हिस्से के लिए हम एक रबर सोल की छोटी सी रबर लेते हैं, ये लगभग 1 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी लेते हैं, और इसमें भी मोची के पंच से हम 4 छेद ठोक कर बना लेते हैं। तीसरा छेद और ये आखिरी चौथा छेद। ये रहा वो टुकड़ा जिसमें 4 छेद हैं। इस रबर के टुकड़े के निचले हिस्से में हम रबर के 4 छोटे छोटे टुकड़े चिपकाएंगे जिनमें हम अपने चक्के फिट करेंगे। पर इससे पहले हम ये देखें कि हम चक्के किस ढंग से बनाते हैं। चक्के बनाने के लिए सबसे पहले एक मोमबत्ती लीजिए और इस मोमबत्ती को जला लीजिए। मोमबत्ती जलाने के बाद में एक सुई लीजिए और उस सुई की नोक को मोमबत्ती की लौ में गर्म कीजिए। दूसरे हाथ में एक प्लास्टिक का सस्ता सा बटन पकड़िए और जब सुई की नोक गर्म हो जाए तो उसके बाद में बटन को बीचों बीच में सुई धंसा दीजिए। गर्म सुई बटन को पिघला के उसके बीच में चली जाएगी और ठंडी होने के बाद में वो एकदम मजबूती से बटन को पकड़ लेगी। इस ढंग से एक ड्राइंग पिन जैसी बन जाती है। उसके बाद में एक बॉल पेन की रिफिल लीजिए और उस बॉल पेन की रिफिल को काट करके लगभग 1 इंच का बॉल पेन रिफिल का टुकड़ा लीजिए। यह रहा बॉल पेन रिफिल का टुकड़ा और इसको जो आपने अभी ड्राइंग पेन बनाई है उसमें पिरो दीजिए। अब देखेंगे कि जब आप बॉल पेन को पकड़ेंगे तो चक्का आपका घूमेगा। इसके बाद में सुई का दूसरा सिरा गर्म कीजिए और एक दूसरा बटन लीजिए जैसा पहला था और उसके बीचों बीच इस दूसरे सिरों को भी धंसा दीजिए। ठंडा होने के बाद में अगर आप रिफिल को पकड़ेंगे तो दोनों चक्के आसानी से घूमेंगे। ये बन गई एक जोड़ी चक्के। इसी ढंग से एक जोड़ी चक्के और बनाइए। चक्कों को बनाने के बाद में आपने जो रबर का निचला हिस्सा बनाया था जिसमें छेद करे थे उसमें 4 छोटी छोटी रबरों के टुकड़े चिपकाइए। ये हैं 2 रबर के छोटे टुकड़े और ये हैं रबर के 2 बड़े टुकड़े। इन पर हम थोड़ा सा साइकिल पंचर का सॉल्यूशन लगाएंगे और उसके बाद में इन टुकड़ों को इंजन के निचले हिस्से में एक खास तरीके से चिपकाएंगे। ये चिपक गया एक टुकड़ा और उसके बाद में इसी तरह से आप दूसरा टुकड़ा चिपकाइए। इन दोनों टुकड़ों को चिपकाने के बाद में
आप एक बॉल पेन की रिफिल रखिए एक टुकड़े सटा करके, और उससे बिल्कुल बाजू में एक बड़ा टुकड़ा चिपका दीजिए। इस तरह से दोनों टुकड़ों के बीच की जो मोटाई होगी, जो खाई होगी, वो बॉल पेन की रिफिल की मोटाई के बराबर हो जाएगी। इसी तरह दूसरी ओर भी एक रिफिल का टुकड़ा रखिए और वहाँ पर भी एक और रबर के टुकड़े को चिपका दीजिए। इस हिस्से को आप जब सुखाएंगे तो थोड़ी देर के बाद में ये लगभग इस हिस्से जैसा बन जाएगा। इसके बीच में हम अपने चक्कों को आसानी से फिट कर सकते हैं। ये चक्के घूमते भी हैं। दूसरे खांचों में हम दूसरे जोड़ी चक्के लगा सकते हैं। ये चक्के ऐसे गिरते नहीं और ये चलते मजे में। अब हम ने जो इंजन का केबिन बनाया था और इंजन का बॉयलर बनाया था, उसको हम आपस में जोड़ेंगे। यह रहा हमारा बॉयलर और चिमनी। इसको हम इंजन के निचले हिस्से पर रखते हैं और एक नली लेते हैं। ये नली कपड़ा सुखाने वाली प्लास्टिक की नली है और इस नली को हम निचले हिस्से में बनाए हुए छेदों में इस ढंग से घुसा देते हैं और इसके अंदर हम बॉयलर और चिमनी को आसानी से लगा सकते हैं। यह तो हो गया अगला हिस्सा और निचला हिस्सा। अब देखें पीछे का हिस्सा जो कि हमारा केबिन है। अब इन दोनों झाड़ू की सुइकों को के निचले छोरों को हम रबर के दोनों छेदों में और घुसा देते हैं। और इस तरह से हमारा पूरा इंजन बन जाता है। इस इंजन को दोबारा हम चलाएं। अब ये तो आपने जो देखा वो इंजन है, पर इंजन के पीछे अक्सर मालगाड़ी या एक सवारी गाड़ी भी हुआ करती है। अब देखिए ये है एक इंजन के पीछे लगने वाला टैंकर। टैंकर यानी जिसमें कि डीजल, पेट्रोल या मिट्टी का तेल लाद करके एक शहर से दूसरे शहर लेके जाते हैं। इस टैंकर को बनाने में एक बैटरी का इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर भी साइकिल ट्यूब का टुकड़ा चढ़ा है। और अगर इसका निचला हिस्सा देखें तो वो भी इंजन जैसा ही है और इस टैंकर को हम अपने इंजन के साथ क्लिप के जरिए, पेपर के कागज़ के जो क्लिप होते हैं, हम इसको इंजन के पीछे एक हुक से जोड़ सकते हैं। अगर आपको इस इंजन गाड़ी को बनाने में मज़ा आया हो तो मुझे उम्मीद है कि पुराने डब्बों को, ढक्कनों को, पुरानी शीशियों को इस्तेमाल करके आप और अलग अलग नमूने की गाड़ियाँ, ट्रक, टिपर, बसें और मालगाड़ियाँ ज़रूर बनाएंगे।